इन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत सारे विद्यार्थियों को पीएचडी करवाई है, बहुत अच्छे कवि हैं, तो अपनी बात कविता के माध्यम से। दोस्तों मैं कुल मिलाकर 4 मिनट लूंगा, इसमें 4 पंक्तियां सुनाऊंगा फिर एक कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी ये तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया तो समंदर में, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया तो समंदर में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, और कॉलेज के दिनों की याद आ रही थी। कॉलेज के दिनों में मैं एक कविता सुनाया करता था, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये उस जमाने की बात है जब SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ नहीं था, सिर्फ चिट्ठियों के माध्यम से आप दोस्तों से कांटेक्ट रखते थे। तो ये उस जमाने की बात बता रहा हूँ। लेकिन रिश्ते किस तरह से कॉलेज से जब चले जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं, धीरे 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 करके टूट जाते हैं। इस बात को लेकर एक कविता मैंने कभी पढ़ी थी, वो मुझे याद आ रही है। इसका शीर्षक है कांच के गिलास। हम कोई कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरें और एकदम टूट जाएं। आखिर हम दोस्त हैं मेरे यार, पहले हम एक दूसरे की नजरों से गिरेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएंगे। हम कोई कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरे और एकदम टूट जाएं। आखिर हम दोस्त हैं मेरे यार, पहले हम एक दूसरे की नजरों से गिरेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएंगे। मुझे मालूम है कि ऐसे टूटने में तकलीफ तो होगी, लेकिन हम कोई कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरे और एकदम टूट जाएं। तुम भी जानते हो और मैं भी कि कितना मुश्किल होता है बंद दरवाजे की तरफ बार बार जाना, आती जाती सांस के रास्ते में दीवार खड़ी करना और चौराहे पर खड़े रहना किसी एक की प्रतीक्षा में। तुम भी जानते हो और मैं भी कि कितना मुश्किल होता है बंद दरवाजे की ओर बार बार जाना, आती जाती सांस के रास्ते में दीवार खड़ी करना और चौराहे पर खड़े रहना किसी एक की प्रतीक्षा में। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, मैं कहीं और तुम कहीं और चले जाओगे और मैं तुम्हें एक पत्र लिखूंगा कि मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता श्री भगवान जी से शुभ चाहता हूँ, और उस पत्र के उत्तर में तनिक देरी के लिए तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हारी शादी की सालगिरह पर कोई छोटा मोटा गिफ्ट भेजूंगा, और तुम पिताजी के अचानक गुजर जाने के गम में मुझसे हमदर्दी जतलाओगे, और मैं तुम्हें ईद मुबारक कहूंगा और तुम मुझे दिवाली की शुभकामनाएं भेजोगे। हम ऐसा करेंगे, तुम कहीं और मैं कहीं और चला जाऊंगा और फिर इसी एक दिन मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा कि मैं यहाँ पर कुशलता पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता श्री भगवान जी से शुभ चाहता हूँ, और उस पत्र के उत्तर में तनिक देरी के लिए तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हारी शादी की सालगिरह पर कोई छोटा मोटा गिफ्ट भेजूंगा, और तुम पिताजी के अचानक गुजर जाने के गम में मुझसे हमदर्दी जतलाओगे और मैं तुम्हें ईद मुबारक कहूंगा और तुम मुझे दिवाली की शुभकामनाएं भेजोगे, और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 31 दिसंबर की वो ठंडी शाम आ जाएगी जब हमारे ग्रीटिंग कार्ड्स किसी डाक घर में अचानक एक दूसरे से टकरा जाएंगे और टूट जाएंगे। मुझे मालूम है कि ऐसे टूटने में तकलीफ तो होगी, लेकिन हम कोई कांच के गिलास थोड़े ही हैं कि हाथ से गिरे और एकदम टूट जाए। आखिर हम दोस्त नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से अपने मन की बात। बहरहाल ये अफगानिस्तान के विद्यार्थी